तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका ये विश्वविद्यालय में, जो कि डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वेबसाइट कुछ खुल चुके हैं, तो कुछ इस प्रकार रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को हम कंप्लीटेड देखेंगे, तभी आप कुछ जानकारी समझ पाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि यह वीवी माने विश्वविद्यालय होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि एमटेक की लिंक आज खुल जाएगी, एमटेक की लिंक आज खुल जाएगी, साथ ही यूजी पीजी दोनों का। तो हम मतलब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है सागर, ठीक है, ये सागर की पत्रिका है। तो डॉक्टर हरी सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए चल रही पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में अब तक 2327 विद्यार्थी फीस जमा कर चुके हैं, ठीक है। कितने? 2327 विद्यार्थी फीस जमा कर चुके हैं। आगे हम देखेंगे फटाफट कि फीस जमा कर चुके हैं। विश्वविद्यालय में यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन के 15 पाठ्यक्रमों में कुल 2201, तो पीजी के और 37 पाठ्यक्रमों में 1287 सीट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी पीजी में कितने सीट हैं? पीजी में अभी 2327 सीट बाकी हैं, और यूजी में कितने हैं? पीजी में 2201 सीट हैं, जबकि यूजी में 1287 सीट हैं। इस प्रकार स्नातक स्नातक यानी कि यूजी पीजी 52 पाठ्यक्रमों में कुल सीट 52 पाठ्यक्रमों में यानी कि 52 में कुल सीट कितने हैं? 3487 सीट उपलब्ध हैं, जो कि मतलब यूनिवर्सिटी में सीट की जाती है। आगे हम देखेंगे कि एमटेक की कुल 37 सीटों के लिए हुए पंजीयन के आधार पर मेरिट सूची शुक्रवार को जारी कर दी गई है। एक दिन पहले विद्यार्थियों को दावे आपत्ति लगाने के लिए, मतलब यह एक दिन पहले, तो आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज शनिवार है, और शनिवार को वेबसाइट, ठीक है, ओपन कर दी गई है, जो कि मतलब कि फीस जमा करने की लिंक शनिवार को खोल दी जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज शनिवार है, और आज सीट का वेबसाइट यानी कि लिंक फीस जमा करने की, ठीक है, फीस जमा करने की शनिवार को लिंक खोल दी जाएगी। तो एमटेक की कुल 37 सीटों के लिए 52 विद्यार्थियों ने पंजी किया था, मतलब 52 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें से कि 35 को फीस भरने की लिंक खोली जाएगी। दोस्तों, 52 में से 35 विद्यार्थी ही फीस जमा कर पाएंगे एमटेक की, ठीक है। वह यूजी और पीजी के शेष 51 पाठ्यक्रमों में फीस जमा करने की अवधि निकलने के बाद खाली रही सीट। दोस्तों, यूजी और पीजी में अभी कितने सीट खाली हैं? तो हम बता दें कि अभी 1064 सीट खाली हैं, 1064 सीट अभी खाली हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 1064 सीटों पर वेटिंग वाले विद्यार्थियों को फीस जमा करने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका मतलब कि अब वेटिंग वाले विद्यार्थी फीस जमा करेंगे, जो कि 1000 अभी सीट बाकी है यूनिवर्सिटी में। तो आई होप कि यह वीडियो कुछ मतलब आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो। तो दोस्तों, अभी आप मत कट करिएगा, क्योंकि हम आपको अभी और कुछ, तो दोस्तों यही है कि अब आप मतलब है कट भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। यह जानकारी आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, आप कौन से शहर से हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं, यूजी करते हैं कि पीजी करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें, जिसमें से कि हमें भी पता चले कि असल में आपकी क्या मतलब किस
उद्देश्य आप मतलब किस सब्जेक्ट से हैं, किस ग्रुप से हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना, वीडियो को कर देना लाइक, वीडियो को क्या कर देना लाइक, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह अपडेट ताज़ा न्यू जानकारी आपको हम देते रहते हैं। और दोस्तों जो आपके प्रश्न हैं वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं, और साथ ही अगर आपकी कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में तो कह सकते हैं। जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें आप शेयर कर सकते हैं, जिन्हें ज़रूरत है जिन्हें नहीं पता है उन्हें आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी अभी मतलब कई सारे स्टूडेंट का मतलब ये था कि सीट कितने बचे हैं, सीटें क्या मतलब है, सेकंड काउंसलिंग या कट ऑफ लिस्ट आएगी। तो दोस्तों सेकंड काउंसलिंग कट ऑफ लिस्ट का तो मतलब आना चाहिए, और अभी तो फीस जमा हो रही है, जैसे कि आप सभी देखे हैं कि अभी इन फीसों को किस में जमा किया जाएगा। तो अभी फ्री हाल के लिए यहाँ पे देख लीजिए कि 1064 सीट वेटिंग वाले विद्यार्थियों को, मतलब जो इंतज़ार कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। तो यह यूजी और पीजी दोनों का है। तो दोस्तों अगर आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि होता कुछ नहीं है, बस यही होता है कि जो अगला वाला बच्चा रहता है यानी कि जो और कोई वीडियो देखने वाला रहता है वो भी समझ जाता है कि हाँ भैया ये एम टेक का है या फिर ये यूजी का है या पीजी का है, इसमें यह नॉलेज मिल जाता है सामने वाले बच्चे को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कमेंट करके ये बता दीजिए कि असल में क्या मतलब आप क्या करते हैं, यूजी करते हैं कि पीजी करते हैं, आपकी क्या राय है, क्या विचार है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को फिर से मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ताज़ा अपडेट पाने के लिए। मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का, तो आई होप कि शेयर कर दिए होंगे।